नई और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने के लिए कुक विद पैशन को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। हेलो दोस्तों, कुक विद पैशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सिर्फ दो चीज़ों से बहुत ही टेस्टी कलाकंद की बनाने की रेसिपी बताऊँगी। दोस्तों, इसको हम आज घर पर बनाएंगे बहुत ही आसानी से, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, कलाकंद बनाने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने एक हैवी बॉटम की कढ़ाई ले ली है। उसमें दोस्तों मैं 1 लीटर इसमें दूध ले रही हूँ। फुल फैट मिल्क का मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको हम बॉयल आने तक उबालेंगे। तो देखिए दूध में बॉयल दोस्तों आ चुका है। या तो आप इस दूध को पका पका कर आधा कर ले, अगर आप इसको इंस्टेंट बनाना चाहते हैं तो आप इसमें मावे का इस्तेमाल कर ले। तो मैं यहाँ पर इसको फटाफट बनाने के लिए इसमें मावे का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 1 कप इसमें मावा डाल लिया है, करीबन 100 ग्राम के करीब मावा है। आप चाहे तो मिल्क पाउडर डालकर भी दूध को गाढ़ा कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस आपके पास है। चाहे तो मावा डाल लें, चाहे आप मिल्क पाउडर डाल लें, या फिर तीसरा ऑप्शन, या आप दूध को ही पका पका कर आधा करके गाढ़ा कर लें। जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगे आप वो अपनाएं। तो इसी तरह से हम दूध को 10 मिनट तक बॉईल करेंगे ताकि खोया इसमें अच्छे से मिक्सअप हो जाए। तो अब आप दूध की कंसिस्टेंसी देखिए, दूध काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। हमें इसी कंसिस्टेंसी का मिल्क चाहिए। तो दोस्तों, अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर फ्रेश पनीर का इस्तेमाल करा है, पनीर भी मैंने घर पर ही निकाला है। इसको जस्ट हम हाथ से रफली क्रम्बल करेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक ना करते हुए। इसी तरह से क्रम्बल करके हम दूध में ऐड कर देंगे। आप चाहें तो रेडीमेड पनीर भी बाज़ार से ले लें, या तो फिर आप घर पे ही फ्रेश पनीर निकाल लें। और इसको हम लगातार चलाते हुए पूरे दूध को हम सुखाएंगे पनीर के साथ। तो देखिए काफ़ी हद तक दोस्तों पनीर ने दूध को एब्जॉर्ब कर लिया है। हमने इसको लगातार चलाया था और चलाते चलाते तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। और आप देखिए दूध एकदम एवेपोरेट हो चुका है, सूख चुका है। इस स्टेज पर दोस्तों हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप के करीब चीनी ऐड करी है। इसके साथ साथ हम फ्लेवरिंग के लिए इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे। आप बिल्कुल बारीक वाला इलायची पाउडर इसमें ऐड करें और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। चीनी डालने के बाद आप देखेंगे कि जो हमारा बैटर है एकदम से फिर पतला हो जाएगा, क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ेगी। तो इस पानी को भी हमें अच्छे से सुखाना है ताकि जो हमारी कलाकंद की बर्फ़ी है वो अच्छे से सेट होने के लिए तैयार हो सके। तो लगातार इसको चलाते रहेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, वरना ये बॉटम पर चिपक करके जल सकता है, तो और इसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम इसको अच्छे से सुखा लेंगे। तो बैटर मैंने अच्छे से सुखा लिया है। आप इसको किसी भी ट्रे पर सेट कर सकते हैं, नीचे आप बटर पेपर लगा लें, या इसको ऐसे ही आप ग्रीस कर लें और फटाफट से हम बैटर को जो है इसमें अपने पूरे मिक्सचर को इसमें हम डाल देंगे। मोटाई आपके ऊपर है, आप कितना मोटा कलाकंद बनाना चाहते हैं उस तरह से आप इसको सेट कर लें। तो मैं इस केक टिन में इसको सेट करूँगी, तो मैं इसमें हाफ में इसको सेट करने के लिए रखूँगी। ऊपर से हम इसको लेवल कर लेंगे। आप चाहें तो इसको चांदी के वर्क से या फिर अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से आप इसको गार्निश कर ले। मैंने यहाँ पर स्लाइस आलमंड्स लिए हैं, इनसे मैं इनको गार्निश करूँगी। आप अपनी चॉइस का कोई भी नट्स इस पर डेकोरेट कर सकते हैं। और कम से कम दोस्तों 7-8 घंटे के लिए हम इसको सेट होने के लिए छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पर। ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी, या फिर आप इसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा कलाकंद एकदम से अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसको कट करेंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार इसके शेप, किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हैं। अभी मैं इसको बाहर निकाल करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों हमारा कितना परफेक्ट दानेदार कलाकंद जो है बन करके तैयार हुआ है।
तो इन फेस्टिवल्स आप इस मिठाई को ज़रूर घर पर ट्राई करें और मेरे साथ अपने अनुभव शेयर करें कि आज की मेरी ये रेसिपी आपको किस तरह की लगी, और लाइक और शेयर का बटन ज़रूर प्रेस करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।